नमस्कार दोस्तों, आज चर्चा करने वाले हैं एक ऐसी दवा का जिसका हमारी एलिमेंट्री कैनाल अर्थात हमारी जो पाचन तंत्र है उस पे काफी ज्यादा इफेक्ट है। जी हाँ, चाहे वो गले की जलन हो, चाहे पेट में जलन या दर्द, या हमारे लीवर में भारीपन या जलन, या आंतों में जलन। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं आयरिस वेसिकुलर, या जिसे हम लोग आयरिस वर्ज के नाम से भी जानते हैं, शॉर्ट में हम इसे आयरिस वर्ज कहते हैं। तो चलिए जान लेते हैं पेट के अलावा और क्या क्या सिम्टम है, और पेट के भी क्या स्पेशल सिम्टम है जहां पर हम आयरिस वर्ज को दे सकते हैं, कितनी मात्रा में, कब तक देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं डॉक्टर दिग्विजय चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, और अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो आने पर आपको नोटिफिकेशन का मैसेज मिल जाए। तो दोस्तों, आयरिस वर्सिकुलरिस के बारे में ऐसा कहा जाता है जो बर्निंग सेंसेशन है वो गले से शुरू होकर हमारे लैटरिन के रास्ते लास्ट एनस तक अगर आपको मिल जाते हैं। जी हाँ, अगर सिर्फ आपको गले में जलन रहती है, या सिर्फ आपको पेट में जलन रहती है, या आंतों में जलन महसूस होती है, तो ये वहां पर भी काम करेगा। पर आपको गले से शुरुआत होकर नीचे लैटरिन के रास्ते तक अगर आपको बर्निंग सेंसेशन मिल जाती है तो आयरिस वर्ज यहाँ पर काफी अच्छा रिजल्ट देगी। साथ ही साथ जो स्पेशल सिम्टम आपको मिलना चाहिए वो ये होना चाहिए कि पेशेंट की जो टंग है, जी हाँ, जीभ जो है वो थोड़ी मॉइस्ट होनी चाहिए, सलाइवा बना रहना चाहिए। ड्राई टंग में, सूखी जबान में आयरिस वर्सिकुलरिस का कोई इंडिकेशन नहीं है, चाहे आपके पेट में जलन हो या आपके गले से लेकर एनस के रास्ते तक वहां तक भी जलन हो। पर अगर आपकी टंग ड्राई है तो ये दवा बिल्कुल नहीं काम करेगी। तो आपका जो टंग है वो मॉइस्ट होना चाहिए, आपको सलाइवा जो ला रहा है वो प्रॉपर मात्रा में इंडिकेटेड दिखनी चाहिए कि वो बन रही है। साथ ही साथ पेशेंट को भूख ना लगना, ये भी एक समस्या होनी चाहिए। तो अगर आपके पेट में जलन है, आपको भूख नहीं लगती, आपकी जबान मॉइस्ट है, तो आयरिस वेसिकुलरिस आपके लिए बहुत ही बेस्ट दवा। या आपके गले में जलन बनी रहती है और आपकी जबान ड्राई ना हो के मॉइस्ट का इंडिकेशन आपको मिल रहा है, भूख भी आपकी कम है, यहाँ आयरिस वेसिकुलरिस आपको काफी अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। दोस्तों, फ्लैचुलेंट कोलिक में अगर आपके पेट में गैस बनी है और इसकी वजह से आपको दर्द हो रहा है, गैस बिल्कुल भी नहीं पास हो रही है, तो आयरिस वेसिकुलरिस आप 5 ड्रॉप 30 पावर में 5 मिनट के गैप पे 2 से 3 बार लें। आप देखें आपका जो गैस है वो रिलीज होने लगेगी और आपका जो पेट दर्द है वो 90% तक सही हो जाएगा। फिर उसके बाद सुबह दोपहर शाम करके 2 से 3 दिन आप आयरिस वर्ज को ले सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, स्पेशल केस में नॉक्टर्नल डायरिया अगर आपको दिख रही है और इस डायरिया में भी आपको एनएस के अराउंड लैटरिन का रास्ता जो लास्ट में एनएस होता है वहां पर बर्निंग सेंसेशन मिल जा रहा है, नॉक्टर्नल डायरिया प्लस बर्निंग सेंसेशन अराउंड एनएस अगर आपको सिम्टम मिल रहा है तो वहां भी आयरिस वेसिकुलरिस आपको काफी अच्छा रिजल्ट देगी। नेक्स्ट दोस्तों, कॉन्स्टिपेशन के केस में भी हम आयरिस वर्ज को यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि आयरिस वर्ज हमारा जब भी हम डायरिया के केस में यूज करेंगे तो हायर पोटेंसी यूज करेंगे, 200 पावर पे, और जब कॉन्स्टिपेशन की समस्या आती है सेम सिम्टम यहाँ भी रहेंगे, पेशेंट को जलन पेट में, गले में और कब्जियत की दिक्कत है, लैटरिंग नहीं होते, तो यहाँ पर कॉन्स्टिपेशन के केस में हम 30 पावर में सुबह दोपहर शाम देंगे, जिस तरह से हम गैस के केस में दे रहे थे। पर डायरिया के केस में हमें थोड़ी सी हायर पोटेंसी यूज करनी है, 200 पावर के आसपास। नेक्स्ट दोस्तों, अगर लीवर वाले एरिया में आपको बर्निंग सेंसेशन मिल जाती है, भारीपन मिल जाता है और स्पेशल सिम्टम जो है वो सोरनेस अगर मिल जाती है तो आप आयरिस वर्ज दे सकते हैं। प्लस आपको ये पूरा जो बर्निंग वाला इंडिकेशन है जरूर मिलना चाहिए, सलाइवा आपका माउथ में अच्छा खासा है, टंग आपकी जो है वो मॉइस्ट रहती है, और पेशेंट कंप्लेन कर रहा है कि मुझे पेट में जलन के साथ या गले में जलन के साथ लीवर में भारीपन, दर्द और जलन महसूस होती है, तो वहां आयरिस वर्ज आपको काफी अच्छा रिजल्ट देगी। मदर टिंचर में भी आप इसे यूज कर सकते हैं। लीवर के केस में मोस्टली मैंने मदर टिंचर ही दिया है, 10 ड्रॉप सुबह दोपहर शाम आप दें, आप देखेंगे एक वीक में पेशेंट को काफी ज्यादा आराम मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये इसका गैस्ट्रिक स्फीयर ऑफ एक्शन जो था काफी ज्यादा स्पेशल है, चाहे वो पेट में गैस बनने की वजह से आपका पेट दर्द होना हो, या आपके गले में जलन हो रही हो उसकी वजह से आपको कब्जियत की दिक्कत हो या डायरिया की दिक्कत हो, दोस्तों ऊपर से लेकर नीचे तक अगर आपको जलन की सेंसेशन मिल जा रही है और आपको मॉइस्ट टंग मिल जा रही है तो आप बिना सोचे समझे आयरिस वर्ज 30 पावर में जरूर खा के दे सकते हैं, आपको काफी आराम मिल जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, इसके कॉन्कमिटेंट सिम्टम काफी ज्यादा अच्छे हैं, अर्थात ऐसे लक्षण जो कि एक बीमारी जब बढ़ती तो दूसरी भी बढ़ जाती है। तो दोस्तों, गैस्ट्रिक हेडेक या बोल सकते हैं माइग्रेन के केस में, स्पेशली लेफ्ट साइड का अगर आपको माइग्रेन है और पेट की समस्या जब भी बढ़ती है, पेट की समस्या के बढ़ने के वक्त ही आपका सर दर्द भी अगर बढ़ रहा है,
तो साथ ही साथ आप एक रूबीनिया नाम का मदर डेंचर, जो कि मेरा गैस्ट्रिक हेडेक के केस में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण मदर टिंचर जो कि मैं मोस्टली यूज करता हूँ, तो रूबीनिया मदर टिंचर 10 ड्रॉप सुबह दोपहर शाम, और आयरिस वर्ष 30 अगर आपको पेट की समस्या की वजह से सर में दर्द बना रहता है, माइग्रेन जैसे लक्षण आते हैं। दोस्तों माइग्रेन में आपको कान में आवाज आना या फिर आपको हल्का सा चक्कर जैसा आना या उल्टी जैसा लगना, ये कॉमन सिम्टम है। यहाँ पर एक बहुत ही स्पेशल सिम्टम है दोस्तों माइग्रेन का आयरिस वर्ष के केस में, कि जब पेशेंट को दर्द शुरू होने वाला होता है तो उसकी आंखों के सामने हल्का सा धुंधुलापन ब्लरनेस आ जाता है। तो अगर ये स्पेशल सिम्टम माइग्रेन में पेट की समस्या के साथ अगर आपको सर दर्द हो रहा है और आपका माइग्रेन शुरू होने से पहले आपको बता देता है कैसे आपको ब्लर होना शुरू हो जाता है, चाहे वो 10 सेकंड के लिए हो चाहे 1 मिनट के लिए हो, पर आपको पता चल जाएगा कि अब मुझे माइग्रेन का भी अटैक आने वाला है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसी तरह स्किन का एक सिम्टम है, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट सिम्टम है, गैस्ट्रिक डिरेंजमेंट के साथ पेट की समस्या के साथ अगर किसी को स्किन के इशू में बढ़ावा मिलता है, जब पेट खराब हुआ है या पेट की कोई समस्या हुई उसी समय पेशेंट की स्किन के जो सिम्टम्स है वो भी निकल के बाहर आ जाते हैं, वहां भी आयरिस वेसिकुलर बहुत ही अच्छा काम करती है। स्पेशली मैं बोलना चाहूँ दोस्तों हर्पीस का केस होता है, हर्पीस जॉस्टर, जो कि स्किन में अल्सर के फॉर्मेशन या छोटे छोटे दाने या फुंसी बना देता है और वो पकने लगता है। हर्पीस के केस में स्पेशली अगर आपको पेट की समस्या के साथ स्किन की समस्या बढ़ती हुई दिखे तो आयरिस वर्ष बिल्कुल ट्राई करके देखें, बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलेगा। नेक्स्ट और लास्ट दोस्तों रूमेटिक सिम्टम भी इसका काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। लेफ्ट साइडेड अगर आपको पेन होता है और थाई से लेके नीचे घुटने तक ही सिर्फ दर्द है, जिस तरह से कैल्मिया लेटिफोलिया एक दवा है जो कि दोनों पैर के दर्द के लिए, अगर दोनों पैर में आपको दर्द है जांघ से शुरू होकर नीचे आपके घुटने तक जाता है, तो कैल्मिया लेटिफोलिया काफी अच्छा रिजल्ट आपको देती है। उसी तरह अगर सिर्फ लेफ्ट साइड में सिम्टम आपको दिख जा रहा है तो आप आयरिस पर जरूर ट्राई करें। लास्टली दोस्तों जहां कैल्मिया लेटिफोलिया जैसे सिम्टम आपको मिलते हैं, स्पेशली लेफ्ट साइड का अगर आपको सिम्टम मिलता है, पैर में दर्द है, साटिका का पेन जो है वो लेफ्ट पैर से शुरू होता है थाई वाले एरिया में, जांग वाले एरिया में और लेफ्ट ही घुटने तक जाके रुक जाता है, जहां पर कैल्मिया लेटिफोलिया में दोनों पैर में दिक्कत होती है, वहां पर आप ये दवा सो सकते हैं। लेफ्ट साइड पेन साटिका का जो कि थाई से शुरू होकर आपके घुटने तक जाता है। तो दोस्तों इसने जीआई ट्रैक को कवर किया है और माइग्रेन का भी सिम्टम कवर किया है, स्किन का सिम्टम भी कवर किया है और लास्ट में हम लोगों ने एक रूमेटिक या बोल सकते हैं सियाटिका का सिम्टम कवर किया है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।